एक शायद हो रहा है, प्रेजेंट नहीं हो रहा है ना। हाँ हरिओम। हाँ तो ये हमने जो अभी देखा संख्या पद्धति मैथ सिलेबस प्रमाण चर्चा सुना। कुछ तो रह गया। ओके हाँ, तो हमने जो शुरू में किया था उसके उस वक्त हमने जो भी इक्वेशन जो लिए थे, ये जो फॉर्मूले लिए थे, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। कल हमने जो सिलॉजिज्म और तर्क जो है वो तो पूरा किया है, और तर्क जो है पूरा करने के बाद में हम अब दो सेक्शन अब डिस्कस करने वाले हैं। एक तो है डाटा प्रेजेंटेशन का और दूसरा जो है वो फ्रैक्शन का है। तो हम ये एक्सप्रेशन जो है, तो एक्सप्रेशन का अलग अलग तरीका है, जो जो भी कुछ हमें बात कहनी है वो उसको हमने इंट्रोडक्शन की सेक्शन में देखा था। तो अभी डाटा जो है, मतलब जो भी कुछ हम एक्सप्रेस करेंगे वो जो है वो डिस्क्रिप्शन रहेगा, जो शब्दों में रहेगा, वाक्यों में रहेगा। तो उसको हमें ट्रांसफर करना है। किस चीज में ट्रांसफर करना है उनको? तो डाटा में ट्रांसफर करना है, क्योंकि डाटा के आधार पर, सूचना के आधार पर, या प्रोसेस्ड सूचना जिसको डाटा हम कहते हैं, जो उसके आधार पर ही कोई निष्कर्ष तक जाया जाता है और वही वैलिड होता है। ओके, तो ये जो तर्क है ये बीच की स्टेज है। ये भी जो कुछ भी इंडक्शन है, डिडक्शन है, तो पहले रहेगा कुछ नंबर्स या कुछ शब्द, उसको हम एनालाइज करके या प्रेजेंटेशन के लिए क्लासिफाई करके डाटा के ये करेंगे, उससे तर्क निकाल के कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। तो ये हमें डाटा में आएगा। और दूसरी साइड से हम जाएंगे तो फ्रैक्शन, मतलब नंबर्स जो रहते हैं। तो नंबर्स मतलब क्या है, हमने देखा है अभी। तो नंबर्स जो है ये नेचुरल नंबर्स या जो है नैसर्गिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इसकी प्रोसेस करने के बाद में जो भी हमें मिल रहा है तो वो रहेगा मैथमेटिकल साइड। तो मैथमेटिकल साइड में मैं यहाँ थोड़ा सा फ्रैक्शन को बताने की कोशिश करूँगा। ये एक है पूरा, इसको हम एक कहेंगे। ओके, तो ये एक जो है इसको हम अगर डिवाइड करते हैं, ये हो गया कुछ भाग, ये हो गया कुछ भाग, हाँ, तो ये आधा या जो भी कुछ है वो फ्रैक्शन हो गया। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? ये एक था, एक का आधा हो गया, ये दो भाग है, उसमें से हमने एक लेना है ऐसे। तो ये अलग अलग फ्रैक्शन आएंगे, ये घड़ी रहती है, तो घड़ी में 12 जो है अंक 1 से 12 तक लिखे होते हैं, 1 से 12 तक। उतना ही जो घड़ी का जो टाइम है, समझो ये वाला है, ये डिग्री होता है, ये कोण जो होता है उसको, ये जो रहता है ये मापने के लिए, या अभी हम जो फ्रैक्शन है उसको हम, हमने देखा कि एक का भाग है वो। अभी दूसरे एंगल से देखेंगे, अगर फ्रैक्शन है एक है, उसको उसमें दो चीज रहती है, एक तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम भिन्न भी बोलते हैं, इसको हम अपूर्णांक भी बोलते हैं, ये पूर्णांक और अपूर्णांक। हाँ, तो इसको हम अगर अंश और जो नीचे जो आता है उसको छेद कहते हैं या हर कहते हैं शायद। तो ये जो अंश और छेद है इसमें थोड़ा सा हम तब्दील करेंगे, इसको अगर परमानेंटली हम 100 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1%। ओके,
ये क्या हो गया परमानेंटली 100, यहाँ पे आप 10 लो, ये 10% हो गया, ऐसे जो भी कुछ नंबर लेंगे। तो ये एक हो गया दूसरे टाइप का फ्रैक्शन। घड़ी का भी मैंने बता दिया था, वैसे ही रेशो, रेशो भी एक हमारा फैक्टर है। तो हम अगर कहते हैं कि एक आदमी को हमने 4 रुपए दे दिए हैं और दूसरे आदमी को दे दिए हैं 16 रुपए, तो इसका जो है एक आदमी को उससे कितना ज्यादा दे दिया, तो हम अगर मैथमेटिकली मतलब गणित के हिसाब से देखेंगे तो 12 रुपए ज्यादा होते हैं, 12 रुपए ज्यादा दे दिए +12। ओके, अगर हम उसको हमें शॉर्ट में बताना है तो ये एक दूसरे को विभाजित करते, मतलब 16 को 4 विभाजित करता है, इसलिए हम ऐसे अगर दो डॉट देंगे तो ये इसका 4 गुना है, ऐसे हम कह सकते हैं। यही क्या है, ये रेशियो है। ये क्या है फिर से, ये फिर से अपूर्णांक ही है। ये देखिए फ्रैक्शन है ये। ओके, ये जो है ये रेशियो है। मैंने घड़ी का भी गणित वगैरह जो है वो हमको है, ये भी फ्रैक्शन में आएगा। तो ये मैंने मतलब जो मेरी पहली पीडीएफ है उसमें ये सब लिखा है, अपूर्णांक या फ्रैक्शन के इसमें ही सेक्शन में ही लिखा है, नया कुछ नहीं है। तो ये हो गया अगर फ्रैक्शन का, तो ये रेशो का। तो ये रेशो जो है, अगर दो रेशो है, समझो ये एक रेशो है और एक दूसरा रेशो है, ये 3 है और उसको 12 दे दिया है, तो ये दो रेशो जो है, अगर ये 121 लग रहा होगा तो ये 12 है, 3 ये मत सोचिए, ये 4 और 16 और 3 और 12 दोनों का क्या आता है, अगर हम शॉर्ट करेंगे तो 1 से 4, सही बात है। तो ये दोनों समानुपात में है, ऐसे हम कह सकते हैं। फ्रैक्शन अलग है लेकिन समानुपात में है, क्यों, क्योंकि उनको अगर हम अपूर्णांक के हिसाब से देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, दोनों का एक ही आएगा। तो ये इसको हम प्रोपोर्शन बोल सकते हैं। अगर चार चीजें, चार जो अंक है वो हमको दे दिए गए हैं 4, और उसको हमें एक अंक रहेगा, दूसरा ये एक अंक दूसरा अंक, ये दोनों रेशो में रहेंगे, और दूसरा जो फ्रैक्शन रहेगा वो भी एक दूसरे के रेशो में रहेगा, और ये दोनों एक दूसरे के भी रेशो में रहेंगे। तो इसको हम प्रपोर्शन बोल सकते हैं। इस तरीके से हमें जो भी कुछ फ्रैक्शन है तो इसका हमें क्रिया करने को जो गणित है ये आते हैं। तो इसके बाद में एक और भी रहता है डेसिमल। तो डेसिमल क्या रहता है, दशमलव। तो दशमलव का जो फिक्स रहता है वो 10, जैसे हमने परसेंटेज का देखा, तो ये कितना हो गया 0.1। जितना ये जो पॉइंट है, जितना हम इससे लेफ्ट जाएंगे, ये राइट साइड पे जाएंगे, हाँ हम सामने देखते हैं तो हमारे राइट साइड पे है, तो ये जो है राइट साइड पे जितना जाएगा, मतलब एक अंक है तो ये 10 का 1वां भाग हो गया। ये अगर समझो ऐसा है कि 0.11 है, तो ये कितना हो गया, ये तो 11 आ गया, और कितने अंक है, 1 है 2 है, तो ये शतांश। और अगर समझो तो कितना हो गया, ये वाला। तो इस तरीके से जो आएगा वो क्या है, डेसिमल है। तो ये सिंपल सिंपल हो गया है, वैसे इसको हमें थोड़ा सा क्लिष्ट करके हमें उदाहरण आते हैं। तो फ्रैक्शन में और लास्ट जो बचा है अभी, कि हम फ्रैक्शन जो है वो दो टाइप के रहते हैं। अभी एक का हमने एक
सर्कल निकाला था उसका हमने भाग निकाला था, उसको हम कह रहे थे कि वो फ्रैक्शन है सर्कल का, तो उचित भिन्न है। तो दूसरा जो है वो अनुचित भिन्न है। अनुचित मतलब किसी को हम पूछेंगे कि आपका पास होने की चांसेस कितने हैं, अगर वो श्योर है तो वो बता देगा 200% है। अब 200% कैसे हो सकता है, अगर 100 है तो 100 में से 200 कैसे होंगे, तो वो अनुचित भिन्न है। लेकिन उसको अभिव्यक्त किया है, बताया है तो हमें दिखाना पड़ेगा नंबर में, तो ये ऐसे ही दिखेगा 200%। तो ये 200% जो है ये कैसे फिर लिखेंगे दूसरे, फिर से ये दो जो है ये यहाँ पे आएगा, ये दूसरा तरीका लिखने का, दो पूर्ण और ये, शायद कुछ गड़बड़ लग रही है, तो इतना समझ लीजिए कि जो छेद है ये अगर x है, ये अगर y है, समझो, तो ये अगर y जो है ये अगर x से बड़ा है, जो अंश है ये इससे अगर बड़ा है तो इसको अनुचित भिन्न कहते हैं। अगर ये y जो है ये x से छोटा है तो ये उचित भिन्न है, ये अनुचित भिन्न है। चलो हम बेसिक तो समझ में आ गया है, अभी हम उसको कुछ मुझे लग रहा है कि ये अगर रिवीजन का सेक्शन है तो डायरेक्ट हम उदाहरण ही ले लेंगे। ओके, कुछ डिफिकल्टी है अभी जो बताया मैंने उसमें कुछ डिफिकल्टी है तो बता दीजिए, नहीं तो हम उदाहरण के लिए आगे बढ़ेंगे। ओके, आई थिंक देयर इज नो एनी डिफिकल्टी। ओके चलो, तो ये अभी जो मैंने बताया वैसे ही है, ये 1/10.1 हो गया, 4/10.4 हो गया। ये दशमलव को अगर उल्टा करना है समझो, तो मैंने जैसे बताया उल्टा अगर करना है हमको कि 0.9 दिया है तो क्या करना है, हमको 9 लेना है और कितने है, एक ही है दशमलव के बाद, चिन्ह के बाद कितना है, एक ही है, एक ही जीरो देना है, 9/10 ऐसे आएगा। दोनों तरफ चेंज करते आना चाहिए। तो अभी एक उदाहरण यहां पे दिया है तो आप करके बताओ, आपके सामने अगर स्क्रीन दिख रही है तो जो लिखा है 2, 3, 4, 5 लिखा है। ओके, तो इसको हमें दशमलव जो है उसको हमें फ्रैक्शन में बदलना है, कैसे करेंगे सर? ऐसे करना है 23/5/3, 1000 मतलब कितने जीरो आएंगे, कितने अंक है ना सर, 3 जीरो आएंगे। तीन अंक दिख रहे हैं क्या, चौथा वाला नहीं दिख रहा है, पांच वाला सर, ऐसे लगाना 23/5/1000 ऐसा एक एक करके। सर ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि पॉइंट को अगर काटेंगे और उसके नीचे में एक लिख कर उसके बाद काउंट कर लेंगे, जितना अंक रहेगा उतने जीरो बैठा सकते हैं लास्ट में, ऐसा ऐसे ही ना? जी सर। ओके अच्छा, एक और जीरो हाँ वो इसमें 4 जीरो होना चाहिए स्क्रीन में। हाँ स्क्रीन में गया वो, ठीक है मैं सर 3 जीरो। हाँ अभी थोड़ा सा डिफरेंट है, नीचे अगर आपको दिख रहा है नहीं पता नहीं, ये लास्ट वाला जो एग्जांपल है 1, 2 अंश कितना आएगा ये बता दो खाली। हर तो आपको आ गया, अभी हर तो आपको समझ में आ गया कि डेसिमल के आगे जितने अंक है उतना तो हर आएगा, मतलब छेद आएगा, डिनोमिनेटर आएगा। ओके
जी सर, हाँ तो ये कितना कितना आएगा अभी आपने जैसे बोला वैसे, एक दो तीन चार पांच और एक लिखो, पांच 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 ही रहेगा, पांच ही रहेगा। ओके और ऊपर क्या रहेगा? ऊपर में ऐसा ही लिख सकते हैं 24/1/5 लिख सकते हैं, 24/ सही बात है। ओके आपको फिर आ गया ये जो है, ये देखिए यहाँ पे सॉल्व करके दिया है, ये देखिए 24/100,000 ठीक है नहीं? तो इसको हमने उन्होंने क्या किया है शॉर्ट करके दिखाया दिया है हाँ, उसको 3/8 से काट दी, 8 से काट दिया है दोनों, 8 से काट दिया है। अभी दूसरा जो हमने देखा था, अभी ये देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है ना आपको, ये जो है ये देखिए, ये जो नीचे वाला जो सेक्शन है ये कितना है 200 है, ऊपर वाला कितना है 4, 6 और 9 ठीक है, तो ये क्या हो गया इससे बड़ा है, तो ये क्या उन्होंने कैसे तब्दील किया है देखिए 269/200, ये दो जो है ना इसको बोलते हैं पूर्णांक। जैसे हमने क्या किया है एक का एक सर्कल का आधा लिया, इसीलिए हमने अपूर्णांक शब्द इस्तेमाल किया था ये वाला ठीक है नहीं? तो हमने पूर्णांक मतलब क्या है, ये पूर्ण है, ये दो पूर्ण है और ये अपूर्ण है 69/200, ये समझ में आ गया। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब इसको हम फिर से कैसे करेंगे, अभी ये 200 हाँ बताइए, ये 200 का दो पूर्ण 600 ये क्या बोलते हैं इसको 69/200, इसको जो है हमें इस यहाँ पे लाना है 469/200, ये कैसे करेंगे, दो गुना 200 कितने हो गए 400 है कि नहीं, 400 में कितना मिलाएंगे और ये 69 वाला, तो ये आ गया 69 469, समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया है तो फिर से बताता हूँ। नहीं आया सर, नहीं आया, प्लेन जगह पे बताता हूँ एक मिनट। हाँ यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये था 469, दिख रहा है 469/200 दिख रहा है क्या? जी सर। हाँ तो ये जो है इसको हमने क्या, इसको उन्होंने क्या तब्दील किया, दो पूर्ण अपूर्णांक आगे का है ये 69/200, तो इसको हमें सॉल्व करना है कैसे, मतलब ये कैसे आ गया, तो ये उल्टा अगर हम करेंगे ये 200 × 2 ये क्या हो गया 400, समझ में आया 400 कैसे आया ये समझ में आया? जी सर। अभी इसमें ऐड करेंगे, ये क्या हो गया 400, ये 400 जो है ये पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है, अगर समझो ये 200 की बजाय मैं ऐसे लिख दूं कि 400/200, अभी ये क्या हो गया 200 को हमने ये 0-0 कट कर दिया, दो जो है उसने हमने जो 4 को है भेद दिया छेद दिया, तो उसको क्या हो गया फिर से ये 2 आ गया, समझ में आया ये 2 कैसे आया ये समझ में आया क्या? 400+ आगे क्या बोला आपने वो नहीं समझ में। तो ये अभी जो है इसमें जो अपूर्णांक मिलाना है ये हमें पूर्णांक का हो गया, तो ये इसमें से अपूर्णांक का जो अंश है ये इसमें मिला दिया 400+69, तो ये हो गया 469, समझे? जी सर। ओके तो अभी अगला वाला फ्रैक्शन का देखेंगे।
तो ये सरल करने को बोला है हमें 9.2/11.5, इसको हम जितना सरल कर सकते हैं कर दीजिए। देखिए वाला क्या होता है, अभी ऊपर भी फ्रैक्शन है और ऊपर भी डेसिमल है, नीचे भी डेसिमल है। दिख रहा है ना सभी को, या दूसरी जगह पे लिख दो? दिख रहा है, दिखाई दे रहा है सर। अच्छा तो कर दीजिए सॉल्व, कैसे करना है? दोनों साइड में एक एक जीरो लग जाएगा और दशमलव कट जाएगा, 920 हो जाएगा 1150। ये 920 की क्या जरूरत है, जीरो भी नहीं लगेगा ना, 92 काफी है ना, एक ही डेसिमल है। पॉइंट हटा के दोनों पॉइंट पॉइंट काट देंगे, 115 लिख देंगे नीचे। अच्छा ठीक है फिर, और आगे आगे एक ट्रिक बताई है नीचे उन्होंने, तो ये आप ट्रिक जाए डायरेक्ट ही देख लो। ये देखिए 92 जो है उसको उन्होंने 23 ऐड कर दिया और 115 में 23 ऐड कर दिया, तो ये सिंपल हो गया रेशो 4/5 ऐसे हो गया। फ्रैक्शन का रूल क्या है कि दोनों जगह पे सेम एक्शन होना चाहिए। इसमें हमें कुछ ऐड करना है, इसमें हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, कम करना है, इसको हमें कोई चीज से गुणना है या कोई चीज से उनको विभाजन करना है, तो ये सेम होना चाहिए। तो उसका जो परिणाम होगा और मूल जो अपूर्णांक होगा उसकी वैल्यू सेम रहेगी। ओके बोलिए क्या बोल रहे थे सर? इसमें ये 23 संख्या क्यों ऐड करी सर, इसका ये, हाँ ये सरल करने के लिए ऐड की। ये अब ये देखिए ये कितना सरल है ना, 4/5 सर। इसके बाद बताओ, जैसे 9.2/115 आना, फिर बराबर में इसके 9.2+23 23 क्यों लिया सर हमने ये? हाँ 23 उन्होंने ले दिया है ऐड ना, तो इतना ये जो है ना ये खाली प्रैक्टिस के लिए है। अभी एक समझ लीजिए, समझो आपको ये दिया है 9.2/11.5 ओके, और आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, अगर ऑप्शन में आपको 4/5 है और दूसरे कोई अंक है और आपको चुनना है समझो, तो ये चुनना होगा ना, तो ये सरल करने के लिए ये उन्होंने उपाय दे दिया है। अगर ऑप्शन इतने डिफिकल्ट नहीं आएंगे तो हमें इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें ट्रिक क्या है देखिए, अभी ये कितना है, दोनों जो है ये दोनों 10 के करीब के नंबर है, ये 9/ कितना है 9.2 है और ये 11.5 है, और ये देखिए 4 और 5 ये कितने, दोनों जो है ये 4.5 से समानांतर पे, ये 10 से थोड़ा बहुत इधर उधर समानांतर पे है। ये थोड़ा सा हमको एनालॉजी का 4/5 जो है वो थोड़ा सा आसान कर दिया उन्होंने, इतना शायद नहीं आएगा यहाँ ऐसे। तो ये हो गया, लेकिन हमें अपूर्णांक की एक्शन समझ में आ गई तो हो गया, अच्छी बात है फिर। ओके तो अभी ये तो सिंपल है वैसे, कर दीजिए। एक पूर्णांक लेना है 17, वैसे तो वहां पे दे दिया है 17, और उसमें ऐड करना है .221 प्लस पूर्णांक है ये 17, कैसे होगा ऐड करना है साथ? ये सर ऐसे भी कर सकते हैं, 17 है, 17 के बाद हम 2 3 0 दे देंगे, 17 लिखकर 3 0 लिख देंगे और इसी हो, इजी हो जाएगा जोड़ने में। सही बात है। ओके हाँ वैसे ये तो डिवीजन का है, अभी देखिए ये ओरिजिनल क्या है, ये डिवीजन का है।
तो इतना डिफिकल्ट तो कुछ जरूरत नहीं है डिवीजन की, लेकिन वो आएगा वैसे ही। ये देख लीजिए एक आध जो 17.968 है उसको 8 से डिवीजन किया है, तो ये कैसे किया उन्होंने, ये दशमलव निकाल दिए और जो 8 है ये उन्होंने याद रख लिया कि दशमलव स्थान हमें 3 जो है ये आंसर में 3 क्या करने हैं यहाँ इस साइड पे लेने हैं, तो ये उन्होंने पूरा अंक ले लिया उसको 8 से डिवाइड कर दिया और 8 से डिवाइड करने के बाद में जो भी उनको आंसर आया उसमें 3 दशमलव स्थान पीछे कर दिया। ठीक है, तो अभी मैंने पहले भी एक पीडीएफ में डाला है कि जो भी अपूर्णांक है ना उनकी एक वैल्यू का एक चार्ट है बुक में, ये है वो थोड़ा सा याद करेंगे तो हमें थोड़ा सा आसानी रहेगी। ये वैसा ही आता है, देखो ये 2/3 है वो जो है ये 0.66 आता है, तो 0.6 जो है ना ये रिपीट होते रहता है, इसकी वजह से ये जो नंबर है उसके ऊपर ऐसे चिन्ह देते हैं, आवृत्ति बोलते हैं उसको, रिपीटेड नंबर्स, पुनरावृत्ति और आवृत्ति। ये तो ये नहीं, हाँ ये नंबर ये आ सकता है। देखिए अभी ये जो है 2/7, 3/8, 5/11 और 9/16, ये जो है ना इसको अवरोही क्रम से लिखना है, मतलब जो सबसे छोटा रहेगा वो लास्ट में आएगा और जो बड़ा रहेगा वो पहले आएगा। नंबर तो दिख रहे हैं ना आपको बड़ा, ट्राई कीजिए। क्या करना है इसको, जो छेद है ना इसका ये सेम आना चाहिए, ताकि ऊपर की जो अंक है ये जो अंक है ऊपर के उसमें हमें कम ज्यादा समझ में आता है। अगर छेद सेम है अपूर्णांक जो है उसका सभी का छेद अगर सेम है एक्स है तो जो ऊपर जो आएगा उसी की वैल्यू जो है ये कम ज्यादा हमें समझ में आएगी कि एक नंबर का जो है इसमें छेद तो सेम है लेकिन अंश जो है बड़ा है, तो ये बड़ा वाला जो है ये छोटे वाले से बड़ा है ऐसे, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होगी सर इसके, जीरो पॉइंट से। हाँ आप डेसिमल में भी करना चाहते हो या पूर्णांक में जो है वो अपूर्णांक को हम या इसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या किया है, डेसिमल में ही किया है। कोई कर रहा है क्या, अगर किसी ने किया है तो बता दीजिए सबसे छोटा वाला कौन सा है ये बता दिया तो भी काफी है। कोई कर रहा है तो मैं उसके लिए एक मिनट रुकता हूँ। नहीं सर आप ही बता दीजिए एक बार। चलिए देखिए इन्होंने बता दिया है, ये देखिए 2/7 है उसको इन्होंने डेसिमल कर दिया 285, 3/8 का 375, 5/11 का ऐसे ये डेसिमल कर दिया तो उन्होंने, तो उनको ये अच्छे से समझ में आ गया कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि सभी का बेस सेम आता है 100। सर एलसीएम करके जो लेते हैं तो और इजी हो जाता है, जीरो फिर दशमलव। हाँ किसी को गिनती में दिक्कत आती है, किसी को विभाजन में दिक्कत आती है, जिनको गिनती आसान लगती है वो एलसीएम करके सॉल्व कर सकते हैं, जिनको विभाजन अच्छा मतलब रास आता है वो डेसिमल करके कर सकते हैं। सर एक मिनट बता दीजिए सर, ये 2/7 है बराबर 0.2, ये कैसा है सर? ये जी सर, हाँ ये, हाँ जी सर। अभी ये जो है 285 बाय कितना रहेगा 100 रहेगा। हाँ तो ये जो 7 है ना, तो ये 7 को हमें आ,
ये सात जो है, ये सात को हम 100 तक करेंगे तो ये हो सकता है अभी, या इसको हम सॉल्व करना है तो थोड़ा वक्त जाएगा। सर एक बार सॉल्व करके बता दो। नो प्रॉब्लम, रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे तो भी आप समझ सकते हो। देखिए एक मिनट, सब सब निकाल देता मैं। अरे वक्त जाएगा, बहुत गिनती है उसमें, लास्ट में करेंगे ये वाला। ओके जी सर, जी सर, ये वाला लास्ट में करेंगे क्योंकि अभी 2:48 हो गए हैं और हमें डाटा भी लेना है। जी सर, जी सर, कितना बचा है, ये अभी आधा भी नहीं हुआ है। ओके तो ये बैंक के जो है इसमें हमें काम की जो है वो देखेंगे खाली। हाँ ये देखिए चौथा, हाँ ये वही है, वैसे ही है ये, कि अगर ये अगर हम आरोही क्रम में हमें लगाने हैं तो ये कौन से कौन सा नंबर 4 पे आएगा, ऐसे ही आएगा वो। ठीक है, ये अभी हमने देखा है ना उसी की तरह है, एक लास्ट में हम सॉल्व करके लेंगे एक वाला। ओके जो अभी टिकटों की राशि कितनी है ये तो आगे हम अप्लाइड में देखेंगे ना, तो उस टाइम आएगा ये। शायद क्वेश्चन खत्म हो गए हैं शायद। ठीक है फिर, सर ये सर इसका पीडीएफ लेना था सर, मेरे पास वो जो वीडियो था ना आपका, वीडियो बार बार रिपीट देख रहा था मैंने ना, तो लिखावट सही से धुंधला जैसा वीडियो मारा था। ओके ये पीडीएफ मैं भेज दूंगा। जी जी सर। ओके तो इसमें से परसेंटेज जो हमने देखा था और प्रोपोर्शन जो है, तो वो उसका जो एग्जाम्पल है वो मैडम बाद में लेने वाली है, डेसिमल का भी हमने देखा है। तो इसके बाद में एक थोड़ा सा पार्ट है, ये जो इक्वेशन जो हम ये जो हम सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी कुछ मान लेना होता है, समझो प्रोपोर्शन ले रहे हैं हम 1/4। ओके और हमें एक प्रोपोर्शन दिया, एक संख्या दी है कि ये एक्स वाली संख्या, ए वाली संख्या दूसरे दूसरे किसी संख्या के हिसाब से 1/4 प्रोपोर्शन में है। तो अगर एक संख्या समझो कुछ नंबर देते हैं ये है, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, ऐसे पूछते हैं। ओके ये ऐसे, तो ये इसमें क्या है कि हमें कभी कभी सिंपल रहेगा तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं अगर छोटा नंबर है, तो बड़ा नंबर है तो हमें एक्स लेके भी करना सकता है, करना पड़ सकता है। तो ये एक्स जो है इसको हम चल बोलते हैं, तो ये जो है अननोन नंबर के लिए हम एक्स या वाई एक या दो लेके कर सकते हैं। तो उसके कुछ नियम जो है, तो ये मैंने ग्रुप पे डाल दिया है, ये सर ने बहुत डिटेल में सिखाया है। वैसे देखा जाए तो ये लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, ये मतलब लीनियर इक्वेशन मतलब एक्स जो है उसका जो दो चर वाले रेखीय समीकरण ना सर। हाँ रेखीय समीकरण, तो ये रेखीय समीकरण जो है अगर लीनियर, हाँ रेखीय है, तो उसमें जो एक्स है उसके ऊपर खाली एक ही रहता है, वो
एक्स गुना एक ऐसा हम कह सकते हैं, मतलब एक ही बार एक्स का गुणन होता है, और अगर दो बार गुणन होता है मतलब एक्स और एक्स, तो ये दो क्वाड्रेटिक मतलब दो क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर को क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं सर इसको हिंदी में, नीचे वाला बोलते हैं आधार, ऊपर वाले जो तिरछा में रहता है ना राइट साइड में उसको बोलते हैं आधार, घात, घात नहीं, हाँ हाँ क्वेश्चन 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 को क्या बोलते हैं वही, हाँ तो ये घात है ना, घात ये दो वाला तीन वाला रहेगा, ये जो घात है ना ये अगर दो रहता है तो वो क्वाड्रेटिक, तो ये कब जो इस्तेमाल होता है तो उसके कुछ नियम रहते हैं, तो ये जो नियम है तो ये सब उसमें पीडीएफ में या आज मैंने फोटो डाल दी है, ये उसको अब एक बेसिक में बता देता हूं, तो ये 2x प्लस 5x ऐसे हो गया, तो ये हो गया 7x ऐसे, ये जो है ना ये इस टाइप से हमें x का इस्तेमाल करते आता है, तो इसका हमें स्क्वायर निकालने में भी मदद मिलती है, ये समझो 13 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो क्या होता है कि हमें सूत्र पता है कि x प्लस y जो ब्रैकेट है उसका स्क्वायर है, तो उसका सूत्र क्या रहता है, हाईलाइट की वजह से क्या होता है ये बड़ा बड़ा आता है, एक मिनट में पेंट में कर देता हूं, एक मिनट है। स्क्रीन दिख रही है जी? जी सर, हाँ अभी है हमें 13 का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, x प्लस y जो है ये इसका, इसको हम ब्रैकेट करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, इसको हमें x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ये जो है ना ये फॉर्मूला, वैसे ही सब फॉर्मूले दे दिए है, तीसरे घात के भी दे दिए है ये दूसरे और भी, तो इसका इस्तेमाल हमने सीखा भी है, सिर्फ रिपीट करेंगे, तो इसको हमने एक्सप्रेशन क्या करना है, चेंज करना है खाली, तो ये जो है ये दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं हम, 10 प्लस 3 का स्क्वायर, इस टाइप से भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें 3 का स्क्वायर जल्दी पता आता है और 10 का स्क्वायर जल्दी पता है, इसलिए ये अगर 13 से बड़ी नंबर है तो भी इस ट्रिक से हमें सॉल्व करते आएगा, और ये वाली नीचे वाली ट्रिक, ओके, और दूसरा उन्होंने जो सर ये ट्रिक 20-7 भी कर सकते हैं ना ऐसा, अगर आपको अगले वाले नंबर का स्क्वायर अच्छे से याद है तो अगले वाले कर सकते हैं, जिनको पिछले वाले मतलब जो आसान है वो निकालने हैं ना हमें, ये तो वैसे देखा जाए तो ऐसे भी हो सकता है ना, 100-97 ये 87, लेकिन हमें आसान करना है ना जी, तो 10 का स्क्वायर तो सबको पता है, 3 का स्क्वायर तो सबको पता है, ओके, तो ये इस तरीके से कर सकते हैं, या दूसरा जो तरीका है एक और, ये जो है इसको एक का स्क्वायर जो है, एक का स्क्वायर एक, उसके बाद में उसको थोड़ा सा स्लैश इसलिए हम कर रहे हैं कि बाद में हमें बाकी की मर्ज करना है उसको, तो उसको दो जो है दो लिया, 2xy था ना, तो 2 गुना 1 गुना 3 उसके बाद में जो 3 है वो 3 का स्क्वायर ले लिया, ये किसे सॉल्व का आसान कैसे करना है, ये 3 का स्क्वायर जो है ये एकम स्थान पे ले लिया, एकम दहम हो गया है हमारा अभी,
तीन गुना दो गुना एक, तीन दुना छः। तो अभी एक नंबर है तो डायरेक्ट लिख के आता है। अगर समझो यहाँ पे कुछ 28 वगैरह ऐसे आता है तो क्या होगा, ये 8 यहाँ पे आएगा और जो 2 है ये यहाँ पे ऐड होगा ऐसे। तो ये अभी यहाँ पे एक ही नंबर है, सिंगल डिजिट है तो 6 लिख लिया। अभी एक जो है ये एक का स्क्वायर 1 लिखना है। यहाँ पे भी अगर 2 नंबर आते हैं तो ये एकम नंबर जो है ये ऐड करने के बाद का एकम नंबर यहाँ पे आएगा और दहम नंबर आगे जाएगा ऐड होने के लिए। सर ये ऐसे भी तो हो जाएगा 13 गुना 13। लिमिटेशंस है, लेकिन लिमिटेशंस है ये जो है इक्वेशन, ये आप 90 तक जो है 19 तक है ये आसानी से निकाल सकते हैं। अगले वाला जो है इसमें ये जैसे मैंने नीचे का बोल दिया वैसे ऐड करना पड़ता है। ये हमें तय करना है कि एकम दहम और शतम ये जो है ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए स्ट्रक्चर ऐसे। तो ऐसी कुछ ट्रिक है उसको मैंने पीडीएफ में दे दिया है, पीडीएफ में है वो सब ट्रिक्स स्क्वायर के है और मतलब 95 75 ऐसे जो है उसका भी। तो अभी हम थोड़ा सा लेंगे और बाद में थोड़े 5 मिनट थोड़ी सी रेस्ट करेंगे और आगे का लेंगे। तो अभी हमें क्या ये करना है कि डिग्री का इसी हिसाब से देखना है थोड़ा सा। तो जैसे हमने ये एक्स स्क्वायर वगैरह का देखा था वैसे ही एक्स की डिग्री अगर जो घात है ये ए का एन तो बेस सेम है यहाँ पे दोनों, इसलिए फिर ए एम ए का एम प्लस एन ऐसे आएगा। ओके तो अगर यहाँ पे अगर ये जो है गुणन जो है ये मैंने ये हाँ ये गुणन है, गुणन ये प्लस जैसा दिख रहा था ये प्लस हो गया। ये जो है यहाँ पे ए बेस सेम है और उसका जो कोशंट है वो उनकी मिलाप होगा। अगर यहाँ पे डिवीजन है तो इसका सब्ट्रैक्शन होगा। और अगर फ्रैक्शन के हिसाब से देखा जाए तो अगर ए का एम डिवाइडेड बाय ए का एन तो अगर ये डिवीजन हो गया ये एम ए रेस टू एम डिवाइडेड बाय ए रेस टू एन दैट इज ये अपूर्णांक जैसा, ये भी सब्ट्रैक्शन ही होगा। ओके और ये इंडिविजुअल मतलब ये रिवर्स भी होगा। अगर ऐसे आता है आपको कि ए का एम रेस टू एम प्लस एन रेस ये जो कोशंट है घात है तो इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं रिवर्स ऑर्डर में, डिवीजन का भी वैसे आएगा। ये आपको दे दिया है तो ये आपको निकालते आएगा। इसका हमें एग्जांपल में देखना है तो उसको हम करेंगे। थोड़ा सा हमने एक घंटा हम एक जगह पे बैठे हैं तो एक 5 मिनट रेस्ट लेके हम फिर से इसका थोड़ा सा उदाहरण देखेंगे और डाटा का देखेंगे। तो 5 मिनट के लिए मैं रुकता हूँ।
हरि ओम। हरि ओम। ओम ओम सर। हाँ, तो 5 मिनट का रेस्ट अगर हो गया है तो शुरू करें। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन का जो है अभी एग्जांपल्स जो है उसमें थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, मतलब थोड़ा सा टाइम जाएगा, तो पहले डाटा जो है वो कर लेंगे और दोनों का एग्जांपल जो है वो साथ में देखेंगे। तो डाटा का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो सूचना जो है उसमें दो चार चीजें हैं कि सूचना का जो महत्व है, सूचना की जो गुण है और सूचना का जो चित्रवत वर्णन करना है, ये बताया है उन्होंने। ये मैंने मतलब आपको पीडीएफ में भेजने वाला हूँ, थोड़ा सा मैं खाली रिवाइज कर देता हूँ, उसमें कुछ ना समझ में आए तो मुझे बता दीजिए। जो डाटा है तो उसको हम डाटा कब कहते हैं कि जो भी हम कुछ निरीक्षण गणन जो भी कुछ हम आकलन जो हुआ है हमें जो हमने जो कुछ कलेक्ट किया है तो उसको हम अगर प्रोसेस करते हैं तो उसके प्रोसेस हो जाने के बाद में उसको डाटा का डाटा कह सकते हैं। पहले जो होता है उसको रॉ डाटा कहते हैं, लेकिन प्रोसेस होने के बाद में वो प्रदत्त सामग्री कहा जाता है। उसको हमने गणना तुलना और तर्क लेने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। गुणात्मक और मात्रात्मक डाटा का दो प्रकार है, तो ये जो है हमें पहले ले लिया गया है, इसके लिए मैं इसमें डिटेल में उसमें कुछ लेने वाला नहीं हूँ क्योंकि अभी तो ये हम रिवीजन कर रहे हैं ना। तो उसमें जो भी हम चित्रवत जो वर्णन करते हैं, मतलब जो चार्ट वगैरह जो करते हैं, उसमें कुछ चीजें जो है ये कंपलसरी आनी चाहिए। कौन सी चीजें है वो, तो उसमें जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसका जो चार्ट बनाते हैं उसमें शीर्षक होना चाहिए, उसके बाद में क्रमांक मतलब जो चार्ट है उसका उसको चार्ट का नंबर देना जरूरी है, उसको उपशीर्षक देना जरूरी है। मतलब अगर चार्ट है एक ही टाइप का चार्ट है तो उसमें चार कॉलम है, तो चार कॉलम के जो हेड है तो उसको हमें ठीक से लिखना जरूरी होता है। उसके बाद में नीचे का जो रहता है उसको बॉडी कलेवर बोलते हैं और उसका हमें रेफरेंस देना होता है। तो रेफरेंस देने के लिए जो नीचे रहता है वो एक तो सोर्स भी रहता है और उसके बारे में कुछ अलग हमें स्पेसिफाई करना है तो उसको फुटनोट बोलते हैं। और उसके बाद में जो डाटा है उसमें जो हम भरते हैं चार्ट में जो कुछ भरते हैं तो उसको डाटा मैपिंग कहते हैं। आंकड़ों का जो मानचित्रण है तो आंकड़ों का जो मानचित्रण है उसमें हमें डाटा इंटीग्रेशन, डाटा माइग्रेशन, डाटा वेयरहाउसिंग एंड डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो कुछ चीजें हैं तो वो रहती है। तो उसमें डाटा क्या करना होता है कि जो पहचान करना है कि उसमें से इम्पोर्टेंट या जो भी कुछ इस्तेमाल होने वाले आंकड़े हैं वो कौन से हैं, क्योंकि हम जो वर्ड्स है उसको हम अंकों में तब्दील करते हैं और वो उसमें भरने की जो टाइप टेक्निक है वो भी यहाँ बताए होते हैं कि मैनुअल एक होता है और ऑटोमेटिक होता है। मतलब मैनुअल मतलब हम वहाँ पे उन्होंने जो जो भी सैंपल्स है वो दे दिए है हम अपने तरीके से उसमें भरते हैं, और ऑटोमेटेड मतलब जो भी कुछ चार्ट होता है समझो गूगल फॉर्म है तो गूगल फॉर्म डायरेक्टली अगर ले लिया तो वो डायरेक्ट हमें क्या बोलते हैं उसको एक्सेल फाइल भी देता है, उसके चार्ट भी निकाल के देता है। तो ये स्कीमा डायग्राम बोलते हैं उसको, स्कीमा मैपिंग, तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है। उसके बाद में जो दोनों बताया गया है गुणात्मक और मात्रात्मक उसकी व्याख्या और टाइप्स बताए गए हैं, तो ये तो चार्ट में आने वाले हैं तो इसे मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करता हूँ। और उसका जो व्याख्या जो है किए है तो उसकी जरूरत क्या है ये तो हमने पहले देखा है, लेकिन अन्वय मतलब उसका संबंध क्या रहता है वो उन्होंने यहाँ पे किया बताया है।
चार मुद्दे हैं और व्याख्या जो है उसमें कुछ समस्याएं रहती है। तो ये जो समस्या है ये उन्होंने चार बताई है, तो ये रहता है थ्योरी में उसमें। तो उसका हम डायरेक्टली एग्जांपल देखेंगे अभी। स्क्रीन दिखने के बाद में मुझे बता दो जरा। जी सर दिख रहा है अभी। दिख रहा है ना? चार्ट वाला ये नहीं है, एक मिनट है, दूसरा वाला। हरिओम, थोड़ा सा वो एग्जांपल वाला जो पीडीएफ है वो ढूंढने में दिक्कत हो रही है।
ओम सर, हेलो हेलो, एक मिनट है। हाँ आ गया, अभी स्क्रीन दिखने के बाद में बता दो मुझे। हाँ जरा सॉल्ट पेपर शॉर्ट सर्किट स्क्रीन दिख रहा है? जी, ठीक से दिख रहा है या हाँ धुंधला है? जूम करने के बाद थोड़ा दिखाई देता है, लगभग 50% ऐसा। फिर से शेयर करता हूँ, रिपीट शेयर करता हूँ। ओके, अभी शायद ठीक से रहेगा। ठीक है, अभी तो ठीक रहे, ठीक से दिख रहा है? एक पार्टिकुलर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन पेज बाय पेज लगभग दिखाई दे रहा है। पार्टिकुलर एक पेज दिखाई नहीं दे रहा पर्टिकुलर पेज नहीं दिखाई दे रहा है क्या? है, सिलेक्ट करके उस पे क्लिक करना पड़ेगा तभी होगा लग रहा है। हाँ हाँ, मेरे यहाँ पे दिख रहा है, आपको दिखने में शायद टाइम लगेगा या फिर से शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, मैं फिर से शेयर करता हूँ। अभी तो ठीक दिख रहे हैं? जी ओके, जी यस ओके। जी अभी ये पॉपुलेशन है सिटी वाइज, ओके। तो ये यहाँ पे उन्होंने ये दे दिया है, ये सबसे यह वाला आपको दिख रहा है ना, ये राइट साइड में सबसे ऊपर वाला, ये 90 क्वेश्चन जो है, 90 नंबर, 91, 92, 93, 94, ये वाला हमें सॉल्व करना है। तो देख लीजिए, ये परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन 21 है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ए में, मतलब ये सिटी के नाम है ए बी सी डी ई एफ, ओके। और ये परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, ये मेल टू फीमेल रेशियो है, और उसमें से एडल्ट कितने हैं इसका ये परसेंटेज है। तो उसके हिसाब से हमें ये पांच क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन सिटी बी, यहाँ पे कौन सा आएगा? तो यहाँ पे पिन चलाना नहीं आएगा, ये आपको सॉल्व करते आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसकी पीडीएफ बना के फिर से करना पड़ेगा। तो शायद कल करेंगे फिर, अगर ये ठीक से आ रहा है आपको समझ में या सॉल्व करते तो आज करेंगे, नहीं तो इसकी पीडीएफ बना के फिर कल से सब करेंगे। वो इसकी पीडीएफ बनानी रह गई, ये डायरेक्ट पिक्चर ही आ गया। तो हाँ, मैं ऐसे बताता हूँ, अगर आपको समझ में आता है तो देखो। ओके, अगर ये 20% है, 21% ऑफ पॉपुलेशन है, इस पे पेन ही चलाते नहीं आ रहा है। ठीक है, हम कल ही करेंगे वो, ये वाला। ओके, रुक जाते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाएगी, सॉरी वर्क, सॉरी गाइस, ये पीडीएफ बनानी रह गई तो ये हो नहीं सकेगा आज। तो ये जो पहले वाला जो बताया था उसका 2/7 का जो है ये मैं बता देता हूँ, आपने जो किसी ने तो पूछा था तो उसका जो है ये रहना कहना रह गया था, ये मैं बताता हूँ। हाँ, 2/5 था और 3/8 था, 4/9 समथिंग ऐसा, ये 2/7 था। तो ये जो है ये ऐसे करना है, ये देखिए, अगर 7 से हमें क्या करना है, 7 जो है ये 7 से 2 को छेद देना है, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ 10 से गुणन किया। ओके, अभी 10 से गुणन करने के बाद में अगर ये 10 गुणन रहता है तो हमें क्या करना है, डेसिमल दे सकते हैं हम, इसलिए हमने ये लास्ट वाला 7 निकाल दिया।
और जो भी कुछ आंसर आएगा तो ये आंसर हम डेसिमल में एक उसको एक जगह छोड़ के लिखेंगे। मतलब अगर ये हम 2/7 है, ये अगर 70 होता तो क्या रहता, 2 और उसमें जो 7 × 2 है ऐसे, इसलिए हम 2 का जो है 0.2 लिखते, तो उसकी बजाय हम क्या करेंगे उसको 1 दशमलव ऐड करेंगे। तो ये कितना हो गया, 7 का कितना लगेगा, 7 × 14, 14 से 20 में से 14 गया, 6 बज गया। Okay. ये तो यहाँ पे 2 आ गया, तो अभी 6 को क्या करना है, फिर से दशमलव लेना है, तो कितना 8 बार, तो कितना शेष बचा, 4 बचेगा। ओके, 4 बचा तो फिर क्या आएगा, 5 बार में, हाँ ये आ गया 2, 8, 5, ठीक है, ये सॉल्व हो गया। ये तो 2/70 का है ना, ये सॉल्यूशन नीचे का, हाँ ये 0 नहीं आएगा, ये यहाँ पे आएगा, हाँ ठीक है सर। एक बार और बता दो, समझ में नहीं आया सर। ये देखिए ये कितना है, 2/7 है, ठीक है जी सर। अभी इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, तो 2 को तो हमें 7 से ये नहीं करते आएगा, विभाजन नहीं करते आएगा, तो हम क्या करेंगे, 7 को 20 से विभाजन करेंगे, क्यों फिर, लेकिन रूल क्या बताता है हमें, कि रूल जो है बताता है कि अगर हम दोनों साइड से सेम में गुणन करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो हमने क्या किया, इसको दोनों को 10 से गुणन किया, इसको 10 से, इसको 10। अभी इससे इसको 10 से गुणन करने की बजाय हम जो आंसर है उसको हम डेसिमल में लिखेंगे, समझ में आया जी सर। हाँ, तो ये 7 × 14 हो गया, तो 20 में से 14 गया, ये 7 × 2 = 14 जो है उसको हमने यहाँ पे ले लिया, तो 20 उसमें से 6 रह गए, तो 6 जो रह गए उसको 6 को हमने फिर से 7 से कितना आ गया, 56, यहाँ पे तो 2 था वो 7 × 14 का, तो 56 आ गया, तो 56 जो है वो 60 में से हम यहाँ से हम उसको सबट्रैक्ट करके 4 आ गया, तो ये जो 4 है ये अभी का 2, 8, अभी 4 जो है उसको फिर से पांच, कितना बचा है 5, अब ये क्या आएगा, जैसे पहले बताया वैसे फिर से 5 आएगा, फिर से 5 आएगा, तो इसको आवर्ती बोलते हैं, तो ये 5 वाला आवर्ती हो जाएगा, 8 नहीं आवर्ती हो जाएगा, सिर्फ 5 आवर्ती हो जाएगा, इसको हम ज्यादा करके लिखते नहीं है, 2 या 3 तक लिखते हैं, 2.285 ये तो हो गया। तो इस हिसाब से ये हो गए, तो चलो अभी तो एग्जाम्पल नहीं हो सके इसलिए क्षमा स्व है, तो थैंक यू और ओंकार लेके हम रुक जाते हैं। हरिओम सर।
सर पीडीएफ भेज दीजिएगा सर।